फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं लैंग्वेज के बारे में, जैसे कि हम लैंग्वेज को कैसे चेंज कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि देख सकते हैं सिस्टम सेटिंग, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी पर जाएंगे और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इधर की साइड स्क्रॉल करना है और टेक्स्ट टू स्पीक सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर लैंग्वेज वाले ऑप्शन पे जाना है सॉरी, और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बंगाली है, जापान है, इंग्लिश है, और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रांस है, जर्मन है, गुजराती है, हिंदी है, और जापान से तमिल है, यहाँ पर तेलुगु है। यानी कि आप अपनी कंट्री के हिसाब से लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको सेटिंग पे जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है लैंग्वेज, तो यहाँ पर सर्च में शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने और यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए कि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।